हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। जब मिल पैराग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे थे, वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। जो आपके जंबल पैराग्राफ और जंबल सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस है वो आपको जंबल फॉर्म में दिए जाते हैं। द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज गिवन टू यू। लेकिन जो आपका जंबल सेंटेंस होता है उसमें ज़रूरी नहीं है आपको बिगनिंग और एंड दिया जाए, राइट? एक आपका सेंटेंस होगा, उसको उन्होंने चार पार्ट में ब्रेक करके और आपको एक सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बनाना होगा ताकि उस पर्टिकुलर सेंटेंस का एक मीनिंगफुल आप सेंटेंस बना पाओ। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। बट ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उसमें कॉन्टैक्ट करके इनरोल करा सकते हो। अगर आप NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो दून ऑफिसर्स अकेडमी के जो फ्रेश बैच हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप इनरोल करा सकते हो। फॉर दैट आप जो नंबर देख रहे हो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज, अच्छा जो आपका S1 और S6 है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एज वेल एज द एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, इनिशियल मतलब आपका पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, S1 और S6 वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और PQRS जो है मतलब जो आपके S1 और S6 के बीच में जो सेंटेंस आएंगे वो बताता है। ठीक है, अब S1 क्या है, योर लेटर वॉज बिग रिलीफ, योर लेटर वॉज बिग रिलीफ। S6 part of the sentences, but don't forget to bring chocolate. But don't forget to bring chocolate for Garima. Right? अब इनके बीच में क्या क्या सेंटेंस आने चाहिए? How did your exams go? How did your exams go? After your result, you must come here for a week. You must come here for a week. You hadn't written for over a month. और जो आपका लास्ट सेंटेंस है एस पार्ट, आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। Now the sequences are P, S, R, Q, Q, R, P, S, R, P, S, Q, और लास्ट जो है आपका P, S, Q, Q, ठीक है, P, S, Q, ना। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कोई किसी ने एक लेटर लिखा और लेटर में क्या चीजें मेंशन की गई है उसके बारे में बताया गया। नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज, योर लेटर वॉज बिग रिलीफ। ठीक है, अब दो सेंटेंस है आपके या दो ऑप्शंस जो है जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। पी पार्ट क्या है, हाउ डिड योर एग्जाम्स को, देखो अगर योर लेटर वॉज बिग रिलीफ, हाउ डिड योर एग्जाम्स को, दैट इज ऑल्सो फाइन, इसमें कोई गलती नहीं है। पर अगर आप एक सेंटेंस देखोगे ना यहाँ पे, यू हैडन्ट रिटन फॉर ओवर अ मंथ, तो सबसे पहले एक्चुअली सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, क्यों, योर लेटर वॉज अ बिग रिलीफ, है ना, बिग रिलीफ भाई, आपके लेटर पाके मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे फाइनली शांति मिली, क्यों रिलीफ मिला भाई, क्योंकि एक महीने से तुमने कोई लेटर नहीं लिखा है,
राइट। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस जो मतलब आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका जो करेक्ट रीजन होगा या करेक्ट ऑर्डर जो होगा सेंटेंस का इस पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद, इट शुड बी आर, है ना। बिग रिलीफ, क्यों बिग रिलीफ था, क्योंकि एक महीने से तुमने लेटर नहीं लिखा है, राइट। तो अगर आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाह रहे हो तो आपका सबसे पहले आर आ जाना चाहिए था। एंड इफ यू विल लुक एट द ऑप्शंस, सिर्फ एक है जो आपका आर से शुरू हो रहा है, तो आप ये एक बार चेक कर लो। इट इज फॉलोड बाय वर्ड पी। पी देखो, हाउ डिड योर एग्जाम्स गो, आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। अगेंस्ट भाई आपके एग्जाम्स कैसे गए, भाई मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि भाई अच्छे नंबर से आप क्या है पास हो जाओगे, मतलब बना रहे हैं। लास्ट इज यू हैडेंट, अच्छा क्यू, आफ्टर योर रिजल्ट यू मस्ट कम हेयर फॉर अ वीक बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग चॉकलेट फॉर गरिमा, ठीक है भाई, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आना, लेकिन भाई गरिमा के लिए चॉकलेट लाना मत भूलना, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है, राइट। दस पी आर पी एस क्यू जो आपका सेंटेंस था, उस जो आपका ऑप्शन है, इट मेक सेंस, राइट। कई बार जब आप ऑप्शंस भी पढ़ रहे होते हो तो अगर एक स्टोरी टाइप में दे रखा है आपको, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते जाओगे सीक्वेंस बनता जाएगा, आपको एक स्टोरी बिल्डअप होती जाएगी, पहले ये हुआ होगा उसके बाद ये हुआ होगा, है ना। तो ट्राई टू मेक अ सीक्वेंस, जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो अगर आप उस टाइम पे सीक्वेंस बना सकते हो, या आपको किस तरीके से कोई चीज़ बिल्डअप हो रही है वो अगर आप समझ पा रहे हो, देन आपके लिए जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करना इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि ये है कि आपके ना मान लो कि दो ऑप्शंस हट गए, 50% यू आर क्लोज टू योर आंसर। अब जो 50% है, दो ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा, तो कोई भी एक चेक कर लो, अगर एक गलत हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नाउ द एस वन पार्ट इज होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन, होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द Heart of man, ठीक है। This is the central idea of the poem. This is the central idea of the poem, ठीक है। P part क्या है आपका, बट होप इज एवरलास्टिंग, बट होप इज एवरलास्टिंग। नेक्स्ट इज लव, फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश, आर है आपका, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर। लास्ट जो आपका सेंटेंस है, मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडियल। तो ये क्या है आपके, पी क्यू आर एस फॉर्म में आपको सेंटेंस दे रखे। नाउ द सीक्वेंस इज क्यू पी आर एस, एस आर क्यू पी, आर एस क्यू पी, और लास्ट है आपका क्यू पी एस और आर, ठीक है। नाउ रीड द सेंटेंस, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द हार्ट ऑफ मैन, ठीक है, वो मैन है, एम ए एन, है ना,
उम्मीद क्या है, कभी खत्म नहीं होती है, यू डोंट स्टॉप होपिंग, है ना। कुछ भी हो जाए, 1% तो रहता नहीं कि यार उम्मीद रह जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज कि होप क्या है कि भाई इंसान के दिल में हमेशा होप रहती ही है, राइट। जिस तरीके से आपके स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, राइट, बसंत ऋतु जिसको आप बोलते हो, चीज़ें खिलने लगती है, तो उसी रेफरेंस में ये चीज़ बोली गई है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। अब देखो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अगर इससे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो इसके पहले पोएम के बारे में बताया गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है प्रनाउंस करने में, द प्रोनाउंसिएशन इज पोएम, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो इन ब्रिटिश इंग्लिश पोएम बोला जाता है। अगर आप पोम भी बोलते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में आप उसको प्रोनाउंस करते हो एज पोम, ठीक है। हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग पोयम अगर आप बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, ठीक है। और आपने देखा होगा ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश में एस और जेड वाले भी जो माइन्यूट फर्क होते हैं, राइट। पोयम एंड पोम बोथ आर करेक्ट। अब बट होप इज एवरलास्टिंग, भाई उम्मीद क्या है, हमेशा ही रहती है, राइट, कभी खत्म नहीं होती है। लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश, पेरिश का मतलब होता है कोई चीज जो डिकम्पोज हो जाती है या डिके हो जाती है या जो मर जाती है। आपने देखा होगा पेरिशेबल गुड्स होते हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स जो खराब हो जाते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। तभी वो बहुत जल्दी उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। नॉन पेरिशेबल जो आपके खराब नहीं होते। नेक्स्ट इज इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सो नर्स का मतलब क्या है, टू केयर समथिंग, राइट, टू टेक केयर ऑफ समथिंग इज व्हाट वी कॉल नर्स। मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडियल, ठीक है। गैलेंट, आपने गैलेंटरी अवार्ड सुना है, मतलब क्या है, ब्रेवरी अवार्ड। तो गैलेंट का मतलब भी क्या होता है, समथिंग विच इज ब्रेव, समथिंग विच इज ग्लोरियस, ठीक है। भाई जैसे जैसे स्ट्रगल होते हैं, ब्रेव स्ट्रगल्स जो होते हैं, वेन एवर यू फेस एनी सिचुएशन विद ब्रेवरी, तो क्या होता है, यू यू बिकम अ चेंज पर्सन, राइट। नाउ टू ऑफ द ऑप्शन आर स्टार्टिंग विद क्यू पार्ट, ठीक है, और आपके एक हो रहे एस और आर से। अब देखो होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन फॉलोड बाय इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। होप क्या है, इट ऑलवेज स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ द मैन, उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ते हो। तो बेसिकली इसको नर्स कौन करती है, केयर क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, ठीक है भाई, जो नेचर के एलिमेंट है वो उसको नर्स करती है, राइट। तो इट इज मेकिंग सेंस, पर एक बार क्यू वाला ऑप्शन देख लो, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश। नाउ इफ यू विल लुक एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश, ठीक है, बात सही है, लेकिन क्या इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ आपका क्यू पार्ट जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या होगा, क्यू पार्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपका ए और आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एस और आर बच रहे हैं। एस क्या है, मैन डिराइव होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडिया, यहाँ पे भी होप की बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली इट कैन बी अ कंटिन्यूएशन। फॉलोड बाय आर, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश बट होप इज एवर लास्टिंग, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इट इज मेकिंग सेंस, सी पार्ट भी एक बार चेक कर लूँ, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मैन डिराइव्स होप्स फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडिया, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश बट होप इज एवर लास्टिंग। सी क्यू और पी आपके साथ में आने चाहिए, क्यू पार्ट इज लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिश बट होप इज एवर लास्टिंग। एक चीज क्या है, वो डिके हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन होप क्या है, वो हमेशा चलती है। इसी तरीके से आप हिंदी में भी बात बोलते हो, तो क्यू आर पी एक साथ आ जाएंगे। अब आपको सीक्वेंस क्या देखना है, पहले एस आएगा या पहले आर आएगा। एस क्या है, मैन डिराइव होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडिया, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट। सी ज्यादा सूटेबल आपका आर है, क्यों, होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन, इट इज नर्स्ड बाय द ग्लोरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल आफ्टर सम नोबल आइडिया। तो इसका आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट, इट शुड बी आर एस क्यू पी, ठीक है। ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, स्पेशली आपके जनरल सेंटेंसेस में कई बार ऐसे होता है कि बहुत क्लोज आपके होते हैं, तो दो तीन बार सेंटेंस पढ़ो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
Now the next question is, the first part is the body can never stop. Now the sixth part of the sentence is it comes from food. All right. अब पी पार्ट है टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्टिविटी द बॉडी नीड्स ऑल द फ्यूल फॉर एक्शन द बॉडी नीड्स All the fuel for action. Sometimes it is more active than at other times. But it is always moving. Even in the deepest sleep, we must breathe. And the last part is the fuel. Must come from somewhere, right? तो ये आपके sentence है. अब sequence आपका है P Q R S P R Q S Q R P S and the last part of the sequence is R S Q and P. The body can never stop. To support this endless activity, the body needs all the fuel for action. अब जो आपका P part of the sentence है, उससे आपका जो S के S one should not be followed by P. क्यों? Sentence क्या बोला? To support this endless action, right? कौन से action? है ना? कुछ action का statement भी तो होना चाहिए. और option में देखो, दो option हैं जो P से start हो रहे. तो ये automatically आपके क्या eliminate हो गए, right? क्योंकि टू सपोर्ट दिस एंडलेस एक्शन एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी ब्रीदिंग डाइजेशन राइट अगर सी बॉडी को क्या है आप खाना क्यों खाते हो इट गिव्स यू द एनर्जी जो भी आप काम कर रहे हो कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए और वो किससे मिलता है आपको खाने से राइट व्हीकल भी अगर आप चलाते हो तो उसको क्या चाहिए भाई ऑयल चाहिए है ना पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए उसी से तो उसको वो उसके लिए फ्यूल है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है राइट वो बर्न करती है तब जाके एनर्जी कन्वर्ट होती है तो पी पार्ट से सेंटेंस शुरू इसलिए नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आपका ये क्या बोल रहा है कौन सी एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी पहले बताओगे ना उसके बाद आप बोलोगे कि ये एक्टिविटी करने के लिए बॉडी को फ्यूल चाहिए तो आपके दो ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो गए अब दो ऑप्शंस रह रहे हैं आपके सी और डी एक हो रहा है क्यू से स्टार्ट एक हो रहा है एस से स्टार्ट क्यू क्या है समटाइम्स इट इज मोर एक्टिव देन एट अदर टाइम्स बट इट इज ऑलवेज मूविंग एस है द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर द बॉडी कैन नेवर स्टॉप The fuel must come from somewhere. दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं उसके बाद क्या है S के बाद है R. Even in the deepest sleep, we must breathe. Sometimes it is more active than at other times, but it is always moving to support this endless activity. देखो Q और P जो है ना वो साथ में नहीं जा रहे हैं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एक ही ऑप्शन बच रहा है ये भी एक बार चेक कर लूँ Sometimes it is more active than At other times, but it is always moving. Even in the deepest sleep, we must breathe. Q और R आपके क्या है स्टेटमेंट साथ में जा रहे हैं To support this endless activity, the body needs all the fuel for action. ठीक है भाई जब हम even when we are sleeping, तब भी हम क्या करते हैं ब्रीदिंग एक कर रहे हैं है ना उसके लिए भी क्या चाहिए फ्यूल चाहिए एनर्जी चाहिए टू कैरी आउट दैट फंक्शन
इट शुड बी फॉलोड बाई पी और लास्ट क्या है आपका एस. द फ्यूल मस्ट कम फ्रॉम समवेयर, इट कम्स फ्रॉम फूड, है ना. वो फ्यूल कहीं से आना चाहिए और कहाँ से आ रहा है, जो खाना हम खा रहे हैं वहाँ से आ रहा है, राइट. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट. सीक्वेंस क्या होना चाहिए था आपका, क्यू आर पी एस, ठीक है. तो आज कुछ और क्वेश्चंस किए हमने जंबल्ड पैराग्राफ के, इसमें आपके जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं एनडीए में वो भी इंक्लूडेड थे, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.